वेलकम टू एडवांस जावा। आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि हम कैसे और क्लाइंट और कंटेनर की सेशन आईडी की इन्फो को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को जानते हैं। समहाउ द कंटेनर हैज टू गेट द सेशन आईडी टू क्लाइंट एज ए पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स। कई बार क्या होता है कि जो कंटेनर है वो सेशन आईडी को एज ए रिस्पॉन्स गेट करता है, और जो क्लाइंट है, क्लाइंट हैज ए सेंड बैक सेशन आईडी एज ए पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट, और क्लाइंट क्या करता है, सेंड बैक करता है सेशन आईडी को एज ए पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग वो क्लाइंट सेंड बैक करता है सेशन आईडी। नेक्स्ट पॉइंट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन वे टू एक्सचेंज द इन्फो इज थ्रू कुकीज। यहाँ पर हमारे पास सिंपल वे है जिसके थ्रू हम अपनी जो ये इन्फॉर्मेशन है सेशन आईडी उसे एक्सचेंज कर सकते हैं बाय कुकीज। तो यहाँ पर हम कुकीज के बारे में पढ़ते हैं। कुकीज आर टेक्स्ट फाइल दैट आर वेब सर्वर दैट ए वेब सर्वर कैन स्टोर ऑन यूजर हार्ड डिस्क। कुकीज क्या है, एक टेक्स्ट फाइल है जिन्हें वेब सर्वर स्टोर कर सकता है यूजर की हार्ड डिस्क पर। कुकीज अलाउ ए वेबसाइट टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन। कुकीज अलाउ करता है वेबसाइट को इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। साइट्स विजिटेड और क्रीडेंशियल्स फॉर असेस द साइट्स। साइट जो हम विजिट करते जाते हैं और जो भी हम इंफॉर्मेशन असेस करते हैं उन्हें ये स्टोर करता है। ऑन ए यूजर मशीन, यूजर की मशीन पर, एंड लेटर रिट्रीव इट, और बाद में हम उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज द पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड एज नेम वैल्यू पेयर्स। जो भी हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन को, वो एज ए स्टोर होते हैं नेम वैल्यू पेयर्स। मीन्स हम उन्हें नेम देते जाते हैं और नेम वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो स्टोर होते जाते हैं। कुकीज आर डिजाइन टू बी रीडेबल ओनली बाय द वेबसाइट। कुकीज इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं रीडेबल, जो कि वेबसाइट के थ्रू ही हो ओनली, दैट क्रिएटेड देम। जो भी उन्हें वेबसाइट को हम क्रिएट करते हैं, सिर्फ उनके द्वारा ही वो रीड किए जाते हैं। ए नेम वैल्यू पेयर इज सिंपली ए नेम पीस ऑफ डाटा। जो भी नेम वैल्यू पेयर है वो क्या है, नेम पीस ऑफ डाटा है, जो भी उसमें डाटा स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं कि हम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो हम उसे नेम वैल्यू पेयर देंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड। इस तरह से हम उनके पेयर क्रिएट करते हैं। इट इज ए नॉट ए प्रोग्राम। कुकी एक प्रोग्राम नहीं है, एंड इट कैन नॉट डू एनीथिंग, और ये कुछ कैन नॉट डू एनीथिंग, ये कुछ भी नहीं कर सकती। ए वेबसाइट कैन रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर कुकीज। वेबसाइट अदर कुकीज से भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकती है, और एनी अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी मशीन, और किसी और मशीन से भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकती है। इसी तरह से कुछ और पॉइंट है कुकी के रिगार्डिंग। इट कैन नॉट रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर कुकी फाइल्स। कुकीज जो है वो अदर इंफॉर्मेशन अदर कुकीज से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकती, और ना ही किसी और मशीन से ये जो इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव कर सकती है। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने सेशन में जाना कि हम कैसे कंटेनर और क्लाइंट की सेशन आईडी की इन्फो एक्सचेंज कर सकते हैं। थैंक यू।